हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल में आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद। लोकसभा चुनाव आपको पता ही है बहुत नजदीक है, हरियाणा में वोटिंग 12 मई को है। तमाम उम्मीदवार इस उम्मीद में है कि किसी भी तरीके से लोगों के समर्थन को जुटा पाए और हम फरीदाबाद पहुंचे हैं क्योंकि फरीदाबाद में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तमाम पार्टियों को ये लग रहा है कि वो जीतने वाले हैं, लेकिन जनता जनार्दन किसको वोट देगी ये तो हमने आपको दिखाया, हमने बताया कि क्या कुछ चल रहा है फरीदाबाद के लोगों के दिलों में। और हम फरीदाबाद में पहुंचे हैं, आपको आज मिलवाने वाले हैं जेजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नवीन जयहिंद से। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और यहां से पार्टी ने इनको टिकट दे दिया है। लोग कह रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां पर कितना कमाल कर पाएंगे। बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर मैदान में हैं, जो पहले से भी सांसद थे, अब एक बार फिर से उनको टिकट दी गई। पार्टी ये मान के चल रही है कि वो जीत रहे हैं, उनकी सीट को सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। कांग्रेस की हालत खराब थी, ललित नागर को टिकट दिया, फिर टिकट रिप्लेस कर दिया, अवतार भड़ाना को दे दी। अब जीतेगा कौन ये तो मालूम नहीं है, ये तो आप ही को मालूम है क्योंकि आप वोटर हैं। और आपको किसको वोट देनी है, आप क्या समझ रहे हैं, आपको बेहतर भविष्य कौन दे पाएगा ये आप ही जानते हैं, लेकिन हम आपको लोगों के दिल की बात बता चुके हैं। अब सियासी आयना के जरिए हम नवीन जयहिंद के दिल की बात भी आपको बताएंगे, कैसी तैयारी कर रहे हैं, कितनी परेशानी है, कितनी बेचैनी है। यहाँ इस गेस्ट हाउस के अंदर वो रह रहे हैं, ये घर नहीं है, हालांकि घर रोहतक में है नवीन जयहिंद का, यहाँ पे लाके रख दिया है उनको कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, और इसी गेस्ट हाउस के भीतर रहकर तैयारी कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों के समर्थन की उम्मीद है। बीते दिन रोड शो भी किया, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे, तमाम लोग भी थे। और अब उस लहर के साथ, मोदी लहर के सामने किस तरीके से अब ये नवीन जयहिंद टक्कर दे पाएंगे तमाम दूसरे प्रत्याशियों को, चलिए भीतर चलते हैं, मिलते हैं उनसे, दिखाते हैं आपको क्या कुछ है उनके दिल का हाल। चलिए, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है? तो नवीन जयहिंद को जब भी आपने सुना होगा आपको लगता होगा कि गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन आज साथ में बैठे हैं, बात ही ऐसे करते हैं आप या ज्यादा गुस्सा आता है? नहीं मैडम, गुस्सा तो मेरे को तो आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। मतलब ही नहीं, हरियाणवी बोलते हैं ना, तो थोड़ी खड़ी बोली है, लोगों को लगता होगा कि गुस्सा बहुत है। क्या है ना कि मैडम, अब हरियाणवी जो बोली है, टोन है, भाषा है, तो अलग अलग जगह अलग अलग है। तो थोड़ी मैं रोहतक से हूँ तो इसलिए वहाँ पे और ज्यादा खड़ी बोली हो जाती है, नहीं तो मैं तो गुस्सा करता ही नहीं मैडम। गुस्सा तो मतलब ही नहीं, आसपास ही नहीं, हम तो शुद्ध खाने पीने वाले लोग हैं, एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, तो गुस्से का तो मतलब ही नहीं है। ये भी सबको पता है कि हरियाणा के जो लोग हैं उनकी भाषा बेशक थोड़ी खड़ी होगी, लेकिन दिल के तो सब अच्छे ही है ना। दिल के आप अच्छे हैं। फरीदाबाद में आप आए हैं, अब आपको क्या लग रहा है, मतलब कितना समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं? फरीदाबाद में हम जब आए तो लोग कह रहे थे कि भाई हम क्या करने, हमारे पास एक तरफ कुआ था, एक तरफ खाई थी, तो लोगों ने तो यही कहा। तो हमने कहा भाई देखो, आपके पास एक तरफ कुआ था, एक तरफ खाई थी, यहाँ लोगों ने, नेताओं ने, यहाँ चौकीदारों ने पैसा इकट्ठा करने का काम किया है। चौकीदार की बात कर रहे हैं? चौकीदार हमारे सांसद है ना, कृष्णपाल जी। तो उससे पहले मतलब आप देखोगे, अगर वादे अगर देखोगे 2014 के, तो वो तो काम कुछ हुआ ही नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे फरीदाबाद में घूम जाओ मैडम आप, इतने लोग दुखी हैं, इतने दुखी हैं, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं लोगों के बीच में गया तो लोग कह रहे थे कि एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है, जी क्या करने। तो हमने तो लोगों को ये बताया कि एक तरफ जो कुआ था, एक तरफ खाई थी, कोई ना तो कुएं में कूदना चाहता और ना खाई में, लेकिन जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो कूदना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हमने तो मैडम बीच में अब स्विमिंग पूल ले आए हैं। हाँ। अब बीच में लोगों के ऊपर है, तो लोगों को डिपेंड करता है ना कि अब उनको स्विमिंग पूल में नहाना है, कुएं में कूदना है या खाई में कूदना है। लेकिन हाँ। मुझे लगता है कि लोग क्यों कुएं में खाई में कूदेंगे, हमने दिल्ली में काम किया है, हम काम के आधार पर यहाँ पे आए हैं, और काम क्योंकि दिल्ली और फरीदाबाद नजदीक है तो लोगों की आवाजाही है, जानकारी है। हम तो कह रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को पूछो, एक नंबर के सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी,
तो हम तो ये आप तो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या उनकी यूएसपी है जिसके नाम पे वो आज वोट मांग रहे हैं और देश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? भाजपा के पास है पाकिस्तान, भाजपा के पास है वोट मांगने के लिए सेना शहीदों के नाम पे, भाजपा के पास है जातिवाद, भाजपा के पास है धर्म है, दंगे हैं, ये है भाजपा के पास। भाजपा के पास कुछ नहीं है करने के लिए। अगर आज के दिन अगर यहाँ के चौकीदार की आप बात करो कृष्ण पाल जी की, जहां जा रहे हैं वहीं विरोध हो रहा है, क्योंकि लोगों ने काम तो करवाए नहीं। तो हम तो एक बात सीधा कह रहे हैं, भाई देखो, अगर आपको लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी जेजेपी गठबंधन जो है वो काम करने के लिए है और काम किए हैं दिल्ली में, तो फिर हम ये वोट दें अगर काम करवाने हैं। और अगर कांड करवाने हैं तो फिर बीजेपी से बढ़िया कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर कांड करवाने हैं, आपको अरावली पहाड़ खवाना है, अरावली पहाड़ जो है वो एक पहाड़ नहीं है, लोगों की जिंदगी है। यहाँ लोग दमे से, बच्चे जो 90% बच्चे दमे से पीड़ित हैं। फरीदाबाद दुनिया के टॉप 10 में है पोल्यूशन में, तो चौकीदार क्या कर रहे थे भाई? आपकी गंदगी देख लीजिए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत के नाम पे पैसा खा गए ये लोग। इन्होंने किया कुछ नहीं मैडम। चौकीदार तो फरीदाबाद के चौकीदार ये मान के चल रहे हैं कि वो जीत रहे हैं चुनावों में। ये अगर होगा, देखिए मुझे लगता नहीं, पहली बात तो अगर लोगों के बीच में आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा। चौकीदार क्या कह रहा है कि छोटा चौकीदार कह रहा है कि बड़े चौकीदार को दो, मुझे मत दो वोट। क्यों नहीं दे भाई, बड़ा तो तू ही था, इसमें तो कोई वो नहीं है, बड़े चौकीदार को वोट दो। अरे बड़े चौकीदार ने भी कुछ, मतलब छोटे झूठे बड़े झूठे हो रहे हैं। पिछली बार चाय वाले थे, अब चौकीदार हो गए। अगर काम करवाया होता तो विकास पुरुष लिखते, विकास पुरुष फलाना दिगड़ा, लेकिन चौकीदार लिखे इन्होंने, पता है कि कुछ किया नहीं। फरीदाबाद में घूमे और हमने जब लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए तो लोगों का यही मत था कि हमें प्रधानमंत्री अगर हम नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी कृष्ण पाल गुर्जर को वोट देनी पड़ेगी। देखिए ये लोगों को तय करना कि प्रधानमंत्री मोदी आगे काम करवाएगा क्या यहाँ पे। अब लोग अगर लोग परेशान नहीं है बिजली से, अगर परेशान नहीं है पानी से, अगर परेशान नहीं है सड़कों से, गलियों से, गंदगी से, गुंडागर्दी से, तो फिर तो भाई लोगों की मर्जी है। देखिए जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता है, देखिए फरीद मैं जहां पे भी जा रहा हूँ फरीदाबाद के लोग यही कह रहे हैं कि भाई चौकीदार ने जो है ना यहाँ पे जो गुंडागर्दी मचाई है ना, वो यहाँ पे कृष्णपाल गुर्जर से तो बहुत परेशान है, कृष्णपाल गुर्जर से तो बहुत ज्यादा परेशान है वहां के लोग। तो परेशान है ना, परेशान ऐसे ही थोड़ी है, परेशान किए हैं, परेशान है यार, मतलब ऐसे नहीं है, परेशान किए गए हैं। और इसलिए किए गए हैं कि भाई पैसा कमाना है। भाई एक बात हूं, मैं ये कहता हूं कि ये चौकीदार सरकारी स्कूल खा गया, ये चौकीदार सरकारी हॉस्पिटल खा गया। एक आम आदमी है मैडम, एक आम आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा लेगा? अरे जेब कटती है यहां पे, और इनके प्राइवेट स्कूल इन्हीं के हैं। सरकारी स्कूलों का सत्यानाश इसलिए किया गया ताकि प्राइवेट स्कूल ऊपर आए, सरकारी हॉस्पिटलों का सत्यानाश इसलिए किया गया ताकि प्राइवेट हॉस्पिटलों की डिमांड हो। अब प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल किसके हैं? चौकीदारों के हैं। अब भाई जनता को अगर ये नहीं दिखता है, जनता को अगर गुंडागर्दी नहीं दिखती है, मैं मैडम दूध पीने के लिए रात को 9 बजे दूध मंगवाया, दूध नहीं मिला, 12 बजे 2 बजे तक दारू तो कहीं पे भी ले लो, फरीदाबाद में गली गली में दारू के ठेके, महिलाएं परेशान। अरे मतलब हद है, कोई इस फरीदाबाद में कोई भी अगर आदमी ये कहे कि कुछ काम करवाया है तो हम मान लें। आप दूध मंगवाने गए थे क्या? 9 बजे आपने रात को दूध मंगवाया, दूध नहीं हाँ मिला? दूध नहीं मिला, दारू के, अगर कोई दारू मंगवाने के लिए, अगर मुझे दारू पीनी होती दारू का तो हमने भी स्टिंग किया था, रात को 3 बजे तक सब तो वही पुलिस तो वाले मैं भी बता आए रहा लेकिन उसके हूं, बाद भी एक्शन अब नहीं मुझे हुआ। दूध पीना था, दूध नहीं मिला। अब दारू पीनी होती तो आप रात को चाहे 12 बजे मंगा लेते। तो ये क्या है, नौजवानों को बर्बाद करने का है, नशेड़ी बनाने का है। तो मैडम काम नहीं कर रखे कुछ भी, पोल्यूशन की बात देख लो कितना पोल्यूशन है। तो ये जो हवा में और पानी में दोनों में जहर किसने घोला, ये चौकीदार कर क्या रहे थे? सवाल तो यही है कि चौकीदारों ने किया क्या है। अब भाई अगर उसके बाद भी किसी को कुएं में गिरना है, लोगों को अगर अभी भी किसी को खाई में कूदना है,
तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हमने तो लोगों को ऑप्शन दे दिया कि भाई हमने काम किए हैं, काम के आधार पर कह रहे हैं, और दिल्ली में काम किए हैं हम, ये कह रहे हैं पूछ लो ना, किसी से पूछ लो, कोई है ऐसा? गुजरात के झूठे फोटो बना बना के पूरे देश को बेच दिया गया, हम तो कह रहे हैं पास में ये जाके देखे हो। तो हमने जो काम किए हैं, चाहे बिजली है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली 24 घंटे दिल्ली में मिलती है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, सरकारी स्कूल है एक नंबर के, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी बना दिया हमने, सारा इलाज फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री, एक रुपया नहीं लगता किसी का दिल्ली में अगर कोई बीमार होता है तो। जवान के लिए अगर कोई शहीद होकर आता है तो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि उसके परिवार को, बच्चों को पालने के लिए मिलती है। ये तो वैसे तो बड़ी फौज की, फौज के नाम से वोट तो ले रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, शहीदों को क्यों नहीं देते भाई 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि? अगर किसान की बात आती है तो मुआवजा जो है 20,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया हमने। तो आप ये बताइए ना कि काम है और दूसरी तरफ कांड है, अवैध कब्जे कौन कर रहा है भाई यहाँ पे, शराब के ठेके कॉलोनियों में कौन खुलवा रहे हैं भाई? तो मैडम सरकारी स्कूल का सत्यानाश, मैनिपुलेशन जो कर रखा है लोगों का माइंड, मतलब सेट कर दिया है कि मतलब चौकीदार है तो मुमकिन है, मैं हूं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, पूरे कैंपेन की स्ट्रेटजी ऐसी है कि लोगों के माइंड में ये चीजें डाल दी गई हैं। क्या है ना मैडम, पैसा का रोल तो होता ही है, बोलते हैं ना ये पैसा तो बोलता है भाई, तो पैसा ही इनके पास, उद्योगपति सरकार चलाते हैं, उद्योगपति इनको पैसा देते हैं, अब हम तो लोगों के पास जोड़ी फैला के जाते हैं भाई, किसी को देना है तो दे देते हैं, नहीं देना नहीं, हमारे पास तो है नहीं कुछ। अब इनके पास कहाँ से संपत्ति आ गई, चौकीदारों के पास है? अरे चौकीदारों के पास इतनी इतनी संपत्ति होती है क्या, 100-100 करोड़, 1,000-1,000 करोड़ रुपए हो रहे हैं, कहाँ से आ गए? कोई मतलब खानदानी वो थे क्या कि भाई इनके बाप दादा राजे महाराजे थे, कहाँ से आ गया? लोगों का लूट लूट के मैडम, लोगों का लूट लूट के इन्होंने अपना उभरा। अब अगर देश में न्याय है, भगवान भी देखता होगा, तो मैडम मुझे नहीं लगता कि इनको लोग वोट देंगे। बाकी कलयुग है, तो अब कलयुग है तो अच्छे लोग तो यहाँ पे अभी भी बहुत हैं, ऐसी बात तो है नहीं। हम तो लोगों को, नौजवानों को ये कह रहे हैं भाई देखो कोई भी है, आपको लगता है कि जिस पे भरोसा जमता है उसको वोट दे दीजिए, लेकिन कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पिछले 5 साल में आपके चौकीदार ने क्या किया। कंपैरिजन होना चाहिए कि काम क्या हुआ है और सिर्फ बातें क्या हुई हैं। हार्डकोर पॉलिटिकल चर्चा में चलें, इससे पहले थोड़ा आपके शेड्यूल के बारे में जान लें, फरीदाबाद में कितने कार्यक्रम रहते हैं, कितना प्रेशर रहता है, कैसे प्रचार कर रहे हैं? देखिए मैडम, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, हम आंदोलन से निकले हुए आदमी हैं, सुबह उठते हैं 6 बजे उठ के अपना 1-1.5 घंटा पार्क वारक में थोड़ी एक्सरसाइज करके आते हैं, वो तो जरूरी है, स्वस्थ शरीर पहला सुख तो निरोगी का है ना, तो एक्सरसाइज करते हैं, पार्क में लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, उनको भी बताते हैं, उसके बाद फिर जो शेड्यूल लगते हैं, मीटिंग होती है अपनी, जो कोर टीम होती है उनके साथ मीटिंग होती है, मीटिंग होके अलग अलग जगह जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जाते हैं, लोगों को जाके समझाते हैं, और रात को 10 बजे चुनाव कैंपेन खत्म हो जाता है, लेकिन मिलने जुलने वाले लोग या हम चले जाते हैं या वो आ जाते हैं, तो अभी चुनाव के दौरान तो रात को 2 बजे सोया जा रहा है, 4-5 घंटे ही सोया जा रहा है। जाते हैं तो लोग मोदी से परेशान भी मिलते हैं, कुछ मोदी भक्त भी मिलते होंगे, उनसे भी बात होती है? देखिए जिनके दिमाग पे, मतलब जिनका बोलते हैं ना कि दिमाग हैंग हो जाता है, हैक कर लिया जाता है, तो उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो लॉजिकल आदमी हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, वो तो मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं है कि जो मोदी भक्त मिला है। अब मोदी भक्त ऐसे ज़रूर मिले हैं कि जिनका कोई ना तो लॉजिक है, ना कोई लेना है ना देना है, वो तो बस हाँ किसी को धर्म के नाम पे बहका रखा है, किसी को जात के नाम पे बहका रखा है, और लोगों की भी गलती नहीं है, लोग भोले भाले हैं इस देश के, इस प्रदेश के। सवाल ये है कि लोगों को इस तरीके से इमोशनल, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई देखो, जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, ये देश किसी के बाप का नहीं है, इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने बलिदान दिया है। भगत सिंह ने बलिदान दिया, चंद्रशेखर आजाद ने भी, बिस्मिल ने भी दिया है, उद्धम सिंह ने भी दिया, अशफाक उल्ला ने भी दिया है, सब ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, तो सबका है, किसी के बाप का थोड़ी है कि किसी एक आदमी के का है। और ये भाईचारे का देश है, प्यार प्रेम का देश है, हर जाति हर वर्ग सबका है ये। अब कोई ठेकेदार बन जाए, मैं इसका हूं मैं उसका हूं, तो वो ठीक नहीं है। राम मंदिर बनाने की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, क्या फर्क है? पहले कहते थे वहीं बनाएंगे, अब कह रहे हैं संभावनाएं तलाशेंगे। देखिए मैडम, मैं ये एक नंबर के झूठे आदमी हैं, इनसे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता।
राम को बेच दिया इन्होंने, राम के नाम से राजनीति, राज कर रहे हैं राम के नाम से। अरे राम तो यहां है सबके दिलों में, जिसको मानना है और बनाना था तो मंदिर बना दो ना, तुम्हारी सरकार बनाए क्यों नहीं। कश्मीरी पंडित कह रहे थे ये बसा दिया क्या कश्मीरी पंडित इन्होंने, कहां बसा दिया भाई, एक भी अगर कश्मीरी पंडित बसाया हो तो कहीं पे। ये कह रहे थे रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, नोटबंदी करके 2 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए, कौन सा मतलब रोजगार दे दिया बताओ आप। अब जो इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए कही थी, 15 रुपए भी अगर किसी के खाते में आए हो तो बता दो। तो ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। इन्होंने जितना कहा था महिला भी कह रही है 72,000 हम भी देंगे, लग रहा होगा। अरे मैडम जैसे 15 लाख आ गए वैसे 72,000 भी आ जाएंगे जैसे आए। इन लोगों ने देखिए, इन लोगों ने बीजेपी कांग्रेस ने पूरे देश को जितने भी साल हो चुके हैं उनको बेवकूफ बनाया है, और वो बेवकूफ बनाया है तो अब वो बनाया है, उसमें तो कुछ हम कह नहीं सकते। अब जनता भोली भाली है, जनता को हम तो एक ही बात कहेंगे, अग जी इनको आप अब की बार सबक सिखा दो। और दिल्ली के अंदर जिस तरह से सबक सिखाया था ना बीजेपी कांग्रेस को, उसी तरह से जनता सबक सिखाएगी मैडम। जहां तक हरियाणा की बात है, कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा कहां है, क्राइम के लिए आप कॉन्फिडेंट थे, ब्रेकफास्ट भी हालांकि आ गया है, फ्रूट्स नहीं खाते, दूध दूध सिर्फ दूध खाते हैं, सब कुछ है लेकिन सुबह दूध दूध लेते हैं, बस दूध ही लेते हैं। देखिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट में सिर्फ दूध पीते हैं, तो पूरे दिन भर एक दूध से चल जाता है क्या सुबह सुबह? नहीं नहीं पूरे दिन नहीं, मैं तो 12-1 बजे के आसपास खाना लेता हूँ, सुबह दूध ले लेते हैं, केले मिल जाए तो केले, बस और इसके अलावा कुछ नहीं लेता। कैसे मिलते फिर पूरे दिन रात तक आपको काम करना होता है? पूरी मन से आती है, सिर्फ खाने से एनर्जी थोड़ी आती है, जब आपका मन साफ है ना तो एनर्जी अपने आप आती है। एक्सरसाइज करते हैं, किसी का भरा बुला करते नहीं है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। अब हमने भी माड़ वाड़ इकट्ठा कर रखा हो, लोगों के साथ ठगा बगी कर रखी हो तो 20 तरह की समस्याएं दिमाग में चलेंगी। अपने को क्या है, अपना दूध है तो दूध है, अपना हमारा तो एक रूटीन यही है शुरू से ही रहा है। दूध दही का खाना सबसे फेमस है ना, नहीं तो मैं तो दूध और दही लेता हूँ। लेकिन फरीदाबाद में तो आपके लिए समस्या हो गई, दूध आपको मिल नहीं रहा है, तो दूध का क्या इंतजाम क्या कर ही आते खुद? बड़ी अजीब बात, 2 दिन हुए ऐसे, 2 दिन ऐसे हुए मैं, क्योंकि मैं दूध के बिना मतलब सो नहीं पाता हूँ। रोटी के साथ शाम को भी 2 रोटी खाता हूँ, 2 रोटी दोपहर को खाता हूँ, सुबह दूध भी लेता हूँ, तो दोपहर को दही ले लेता हूँ। अब शाम को जब दूध के लिए मंगाया तो मैंने दूध नहीं मिला, गजब बात है। दूध का इंतजाम फिर कहां से हुआ, सुबह सुबह मंगवाया या क्या? सुबह सुबह मंगवाना पड़ा, सुबह मंगवाना पड़ा भाई। आपको दूध तो ऐसी चीज है ना कि किसी भी टाइम मंगा ले, नो तो कोई ज्यादा तो लेट हुआ नहीं था। अब तो मतलब यही था कि सबने फिर वो दूध वाले यही बोले कि भाई साहब दूध तो खुला नहीं है, मिला नहीं रहा है, ठेके सारे खुले हुए हैं, तो ठेके का मेरा काम नहीं है, तो फिर मैं मंगा भाई चलो। तो ये बड़ी इसी बहाने आपको एक और पॉइंट भी तो मिल गया ना, मतलब हमला करने के लिए चौकीदार पे यहाँ के। देखो मैडम राजनीति अपनी जगह है, लोगों को ना बर्बाद मत करो, उनकी जिंदगी बर्बाद मत करो, ये उनकी जिंदगी बर्बाद करना कितनी बड़ी बात है कि शराब के ठेकों पर महिलाओं को आगे विरोध करना पड़ता है और वहां बियर पीनी पड़ती है। क्यों भाई, अगर आप कहीं पे ठेका खोल रहे हो तो उस कॉलोनी के लोगों से महिलाओं से पूछ लो, अगर उस कॉलोनी की सबसे ज्यादा तो महिला पीड़ित होती है ना, क्योंकि शराब पियेंगे फिर वहां छेड़खानी होगी, झगड़े होंगे, प्रभावित कौन हुआ भाई, बच्चे खराब हो रहे हैं ना, नौजवान खराब हो रहे हैं ना भाई। आपने मतलब इतने ठेके खोल दिए, आपने इतनी इजीली अवेलेबल करवा दिया, तो मैडम इनका तो कुछ मतलब ना, कोई इनको ये नहीं है कि अपना अपना भरना है और सब जनता जाए भाड़ में इनके लिए। महिलाएं आके खुद ये कह रही हैं कि हम यहाँ पे हमारे को इतनी परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जहां शराब कोई भी पॉलिसी हो किसी भी भाई, वहां की महिलाओं से इजाजत ले लो। अगर महिलाएं वहां की कहती हैं ठेका खोल दो तो बिल्कुल खोलो। हरियाणा में भी महिलाओं से संबंधित जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है, गैंग रेप हो, रेप हो, छेड़छानी हो, हर तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए मैडम क्या होता है ना, जब कहते हैं ना अब तो लोकतंत्र है, अगर नहीं तो कहते हैं कि राजा अगर कमजोर होता है ना तो सारे ऐसे ही होता है। अगर हिम्मत, थोड़ी भी हिम्मत हो चौकीदार हमारे मनोहर लाल जी में, थोड़ी भी हिम्मत हो, मैं ये कह रहा हूं मैडम छेड़खानी की तो बात ही दूर है, महिलाओं पे अपराध करने की तो बात ही दूर है। अगर थोड़ी भी हिम्मत करें ना, वो थोड़े भी मजबूत हों,
तो किसी की हिम्मत ना हो किसी महिला की तरफ देखने की भी, देखने की आंख उठाने की हिम्मत ना हो। लेकिन क्या है मैडम, पता है कि कुछ भी करो आप छुट जाओगे, कुछ होना जाना है नहीं, आपको पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा। तो महिला सुरक्षा है, हम तो यही तो कह रहे हैं भाई, जो महिलाएं हैं वो उनको सोचना पड़ेगा। आप, मैं चैलेंज करता हूं कोई भी, पूरे फरीदाबाद और पूरे हरियाणा की बात है, कोई भी अपनी बेटी को ये कह दे कि जा 9 बजे जाके अपने बाजार से कुछ लेके आ जा अकेली, कोई नहीं भेजेगा। अगर उसको, उसकी बेटी को, बहन को, पत्नी को अगर 8 बजे आना है, 8 बजे नहीं आई, फोन बंद हो गया, तो मैडम भाग, मतलब भगदड़ मच जाती है सबके पूरे परिवार में कि क्या हो जाए क्या हो जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, परिस्थितियां क्या बदल पाए आप दिल्ली में? मैडम हम अच्छी बात कर रहे हो, दिल्ली में दिल्ली पुलिस किसकी है? हमारे को दो ना दिल्ली पुलिस, खाल उतार दे मैडम। में ये किसी की हिम्मत नहीं हो, अगर किसी ने कर दिया ना चौराहे पे खड़ा करके ऐसा काम करेंगे कभी जिंदगी में, मतलब एक उसकी 7 जन्म तक कोई ना सोचे, हिम्मत चाहिए होती है इस चीज के लिए। आप जब पुलिस को लगा दोगे पैसे इकट्ठा करने में, उसको महिला सुरक्षा क्या करेगा? पुलिस वाले को जब आप कहोगे, अगर कोई पुलिस वाला काम करना चाहेगा उसका ट्रांसफर कर दोगे, आप जब पुलिस को पैसा इकट्ठा करने के लिए लगा देते हो तो सुरक्षा कौन करेगा? उनको क्या लेना देना है फिर? अगर नेता सही हो तो प्रशासन की हिम्मत क्या है? पुलिस वाले अब इकट्ठा पैसा करने में लगे रहते हैं क्योंकि ऊपर नेता से। अब पुलिस वाला क्यों इकट्ठा करेगा? जब ऊपर मंगाया जाता है इसलिए करेगा, वो क्या करेगा फिर? कुछ वो भी रख लेगा अपने उसमें से। अब तो उनको महिला सुरक्षा क्या लेना देना है? आपने मतलब महिला तो कोई भी हो, किसी की भी हो, महिला है ना, लेकिन असर किस पे पड़ता है? एक आम आदमी, सामान्य परिवार। अब बड़े बड़े हैं वो तो अपना सुरक्षा में रखते हैं, अरे सबको सुरक्षा कौन देगा? जो आम महिला है उसको सुरक्षा कौन देगा? जो एक गरीब घर की बेटी है उसको सुरक्षा कौन देगा? तो ये तो मतलब ये तो एक ऐसी चीज है कि महिला सुरक्षा किसी के लिए मुद्दा ही नहीं हुआ, हमारे लिए मुद्दा है। हमारे लिए सिर्फ वोट नहीं है, महिला सुरक्षा हमारे लिए मुद्दा है। और हम दावा करके कह सकते हैं अगर हरियाणा के अंदर हमारे को मौका मिला, किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी में। अगर किसी ने एक बार गड़बड़ कर भी दी ना तो ऐसा उदाहरण पेश कर देंगे कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। विपक्ष की क्या कमजोरी रही है ये कि तमाम मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच नहीं जा पाए वो? 2014 के चुनावों में हमने देखा, बात महंगाई की हो, भ्रष्टाचार की हो, जो पूरा कैंपेन एक बीजेपी ने चलाया था उससे हर एक बंदे के माइंड में ये सेट हो गया था कि नहीं अच्छे दिन आ जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। देखो जिसके अच्छे दिन आ गए हों तो भाई वो मोदी को वोट गिरे, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको 15 लाख मिल गए हो गिरे, जिसको सरकारी नौकरी 2 करोड़ की बात हुई थी देश में मिल गए हो तो गिरे, डाल ले उसको वोट। अगर महिला लगती है कि मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं तो बिल्कुल डाल ले। अगर किसान को लगता है कि मेरा भला हुआ, डाल ले। बेरोजगार को लगता है, व्यापारी को लगता है, जिसको ये लगता है कि हमारा भला हुआ है वो बिल्कुल डाल ले। लेकिन बातों से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत होती है, रोटी के लिए रोजगार की जरूरत होती है। जुमलों से नहीं पेट भरता, जुमलों से नहीं काम चलता। आम आदमी पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है, ये इनका खुट्टा पाड़ेगा। कांग्रेस वालों ने कर ली सेटिंग, जो आप विपक्ष की बात कर रहे हो तो कांग्रेस बीजेपी की तो सेटिंग है, उनके नेता इधर आ जाते हैं, इधर से उधर आ जाते हैं, वही है, वो सेटिंग चल रही है वहां पे। तो ऊपर दो भाई काम करवाने हो, बिजली पानी, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, जवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, जिनका एक आम आदमी के लिए जो जरूरत है, तो जेजेपी और आपको वोट दे देना। इस भ्रष्टाचार पर झाड़ू और दे चप्पल और दे झाड़ू कर देना। और अगर कांड करवाने हो, सत्यानाश करवाना हो, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल का, बिजली पानी, गड़ी सब का सत्यानाश करवाना हो, तो फिर बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी हो नहीं सकती। कांड करवाने में एक्सपर्ट है। बार बार काम और कांड की बात करें नवीन जैन जी, ब्रेकफास्ट इनका हो गया, दूध खत्म हो गया, अभी हम आगे चलते हैं इनके साथ, देखते हैं कैसे कैंपेनिंग करते हैं, क्या कुछ काम करते हैं दिन भर में ये। फिलहाल नाश्ते पे जितनी चर्चा होनी थी वो आपने देखी, लेकिन आगे राजनीति की तमाम तीखी बहस भी होगी, आरोपियों पर प्रहार भी होगा, और क्या कुछ कहेंगे बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे। तो शुरुआत दिन की हो चुकी है, ब्रेकफास्ट टेबल पे हमने आपको दिखाया कि
सुबह सुबह का टाइम था, गर्मी कहते हैं कि सुबह तो थोड़ी कमी होती है लेकिन ब्रेकफास्ट टेबल पे भी खूब गर्मी आपने देखी। निकल पड़े हैं दिन की शुरुआत के लिए, आगे तमाम कार्यक्रम हैं चुनाव प्रचार के। नवीन जैन जी गाड़ी में बैठे हैं साथ में, अब निकल गए दिन की शुरुआत के लिए। रोज क्या सोच जब निकलते हैं घर से तो दिमाग में क्या सोच होती है? सोच तो पॉजिटिव रखते हैं, बाकी कफन बांध के निकलते हैं जी हम तो। कफन बांध के? बिल्कुल कफन बांध के निकलते हैं। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा ही सोचते हैं, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है और जिंदगी का कुछ पता तो है नहीं। तो मेरा तो कभी से ऐसा ही रहा है कि सुबह अपना कफन बांध के निकलो ताकि किसी चीज का डर वह नहीं हो। और यही होता है कि कुछ ना कुछ किसी का भला हो जाए। अगर हमारे से किसी रोज एक आदमी का कुछ भी भला हो जाए, भला ना हो तो कुछ हमारे से एक आदमी खुश भी हो जाए तो भी मुझे लगता है कि ठीक है। हमारा मेन तो मिशन मेरा तो यही रहता है कि भाई ठीक है आज निकले हैं, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता ना मैडम, रात को आदमी सोता है, सुबह सो ही जाता है, वो पूरी परमानेंट सोया मिलता है। तो अपना तो रोज का दिन है, जो आज का दिन है तो आज की जिंदगी, आप कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। बहुत अनसर्टेन लाइफ है ये, हकीकत है। और चुनाव भी बहुत अनसर्टेन है, राजनीति में कहते हैं कुछ भी संभव है। हाँ बिल्कुल है, कुछ भी हो सकता है, ये तो है ही, राजनीति का तो यही है। लेकिन एक राजनीति का ना कुछ तो डेकोरम होना चाहिए, कुछ तो शिष्टाचार होना चाहिए। अब राजनीति का मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती भाई, ज्यादातर यही होता है। हमारी जो पार्टी जब आई तो इसीलिए आई थी कि लोग बीजेपी और कांग्रेस से फेडअप हो चुके थे, मतलब इन लोगों ने ना पूरे देश की ऐसी तैसी कर रखी थी, तो ही आए। नहीं तो आम आदमी की क्या औकात है मैडम कि कोई चुनाव लड़ ले और फिर वहां पे सरकार भी बना ले। अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी था, वो तो बेचारा अपना झुग्गी झोपड़ियों में एनजीओ के लिए काम करता था, आरटीआई पे काम करते थे हम लोग। तो आज जनता ने हमारे को इतना मतलब मान सम्मान दे दिया और अब हम लग जाए लूटने में खसोटने में, तो मतलब ये तो पाप है ना। और मेरे को एक बात समझ पता चलता है कि इन सिद्धांतों की बात तो हर पार्टी करती है, तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी इस पर अमल करती है कि लूटना पाप है, जनता ही सर्वोपरि है, सब काम उनके लिए होने चाहिए? मैडम देखो, हमने तो किसी का अभी तक खाया नहीं है, ना किसी के साथ ठगा बगी करी है, मांग के खाते हैं। वो कहते हैं ना हमारे को छीन के खाने की आदत नहीं है, अगर जरूरत पड़ती है तो मांग लेते हैं, मांग के खा लेते हैं। वो है ना कि अपना भिक्षा लेते हैं, शिक्षा देते हैं, और कुछ है नहीं अपने पास। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब पता चलता है इसने 100 करोड़ कमा दिए, 500 करोड़, 1000 करोड़, अरे एक जिंदगी है कितनी? ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी जाओगे, आजकल तो 100 साल भी बहुत ज्यादा हैं। इतनी बीमारियां चली हुई हैं, हवा आपकी खराब होगी या पानी आपका खराब हो गया है, खाने में जहर है, तो इतनी जिंदगी भी नहीं है। लेकिन मान भी लो 100 साल की, तो 100 साल जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है? आप करते हो कि मैं अपनी 7 पीढ़ियों की अगर लिए करूंगा, अरे कोई ढंग का निकलेगा, कोई काम करने वाला आदमी होगा, अच्छा होगा, अपना अपने आप खा कमा लेगा। आप 7 पीढ़ियों की सोचते हो और 7 पीढ़ियों को सोच के लोगों का खून चूस चूस के, जहां जो मिला, किसान मिला तो किसान का खून चूस लिया, मजदूर मिला मजदूर, व्यापारी मिला व्यापारी, मतलब आप जो भ्रष्टाचार करते हो तो उस भ्रष्टाचार से ऐसा नहीं है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो आपको बददुआएं देते हैं, एक आपको दुआएं दे लोग, तो इतना इतना माल इकट्ठा कर रखा है मैडम, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा तो निकलती है वो चीजें। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात हालांकि अलग हो गई, भ्रष्टाचारी पार्टी सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि कांग्रेस है, कांग्रेस से बार बार गठबंधन की बात होती रही, कांग्रेस साफ कहती रही कि नहीं हमें गठबंधन नहीं करना है, वो गठबंधन नहीं करना चाह रही है। क्यों, क्या हुआ, मतलब अब क्या जरूरत वाकई इतनी ज्यादा थी कि राजनीति है सब जायज है तो गठबंधन भी जायज है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सत्यानाश करके आई थी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी ने आंदोलन ने ही आके लोगों के सामने लेके गए थे। ये बीजेपी वाले तो एसी में सोते थे तब, जब हम सड़कों पे पुलिस की लाठियां खा रहे थे। तो जब हम ये काम किया था और आई थी, तो अब लोगों का सवाल उठाना लॉजिक है, बिल्कुल सही उठाना चाहिए। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कांग्रेस से भी खतरनाक है, कोबरे से भी खतरनाक है, कोबरा से भी खतरनाक, जहरीली है बीजेपी। क्यों, देखिए
मतलब सत्ता में आने के बाद आपको पता चला कि बीजेपी सबसे खतरनाक है, पहले कांग्रेस आपको सबसे खतरनाक लगती थी? बिल्कुल लगती थी कि देश का मतलब जो भ्रष्टाचार का इशू था उसको लेके कांग्रेस के बड़े बड़े भ्रष्टाचार निकले थे। बीजेपी ने क्या किया, भ्रष्टाचार तो है ही है, एडिशनल एक और पैकेज इनके पास, इस देश को जाति के नाम पे धर्म के नाम पे बांट दिया। पैसे तो ये खाते ही थे, इन्होंने भाईचारा भी खा लिया। तो मुझे लगता है कि देखो जब आप जाति के नाम से धर्म के नाम से दूसरों के साथ नफरत करोगे ना, वो तो इंसाना काम नहीं है भाई। आपकी अपनी जाति धर्म अक्षेत्र, सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं। क्यों मैडम? आप गठबंधन को लेके मैं सवाल, वही जवाब है मैडम ये। जब आप, मैं कह रहा हूँ कि जाति धर्म अक्षेत्र के उससे जब आप ये करते हो तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की चीज होती है तो इससे साफ दिखता है ये कि भाई बीजेपी ने क्या किया कि लोगों का भाईचारे का सत्यानाश कर दिया, मन भेद कर दिया लोगों में। आपकी जाति है, किसी की भी जाति धर्म क्षेत्र, अपनी जाति धर्म क्षेत्र के लिए करो, आपको जो करना अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरी जाति को, धर्म को, क्षेत्र को, किसी दूसरी भाषा को गाली देके आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस में गठबंधन क्यों नहीं किया, क्या लगता है? तो मैं कह रहा हूँ मैडम कि हम कांग्रेस को साथ गठबंधन क्यों करना चाहते थे कि ये देश को तोड़ देंगे। जो कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं करना चाहते थे? अब हमें बाद में पता चला मैडम, सेटिंग थी इनकी आपस में, और कांग्रेस ना खुद जो है इसकी बीजेपी स्टार प्रचारक है, कांग्रेसियों ने खुद कांग्रेस की सुपारी ले रखी थी। फिर बाद में चला पता चला यार ये तो सारे सेटिंग कर रहे हैं, इनको करना ही नहीं है, इनको देश से जनता से कोई मतलब नहीं है। हमने तो देश के लिए, समाज को बचाने के लिए गठबंधन नहीं कही थी हम, नहीं तो हमने जिनके हमें तो पता है कौन सी दूध की धुली हुई है कांग्रेस, लेकिन वो आज के दिन एक बड़ी समस्या बन गई थी। लोकतंत्र खतरे में है मैडम, संवैधानिक संस्थाएं सारी बर्बाद कर दी इन्होंने इस देश के अंदर। आपने देखा होगा कि मुझे लगता है कि जब इमरजेंसी लगी ना तब भी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आए थे, इतने परेशान कर दिए इन्होंने। सीबीआई है वो तोता बना के घुमा रखा है सबको, ईडी है, मतलब सारा ही तो ऐसा काम कर दिया कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, सबको अपने उसमें, चुनाव आयोग है, सब मतलब जिनकी मुट्ठी में है, कोई संवैधानिक संस्था वगैरह कुछ नहीं इस देश में। इस देश में दो ही संस्था है, मोदी और शाह। तो आपको मलाल है गठबंधन ना होने का, आपको लगता है उससे नुकसान होगा कुछ आप लोगों को? देखो मैडम, हम तो हैं आंदोलन वाले, संघर्ष करने वाले, हमें क्या नुकसान और क्या फायदा। हमारे को तो ऊपर वाले ने भेज रखा है कि कुछ करते रहो, जो ऊपर वाला कहता है वो कर लेते हैं, तो हम तो एक निमित्त मात्र हैं, जो ऊपर वाला करवा रहा है वो कर रहे हैं। अब भाई अगर इस देश का मतलब दुर्भाग्य ही है तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब और आप काम करवाओ ना करवाओ सेकंड मैटर, लेकिन आप जब जाति धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटते हो ना, मन भेद आता है, शक पैदा हो जाता है एक दूसरी सोसाइटी में, तो इससे खतरनाक तो कुछ नहीं हो सकता। आप पर भी तो आरोप लग रहे हैं कि आप जाति के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं फरीदाबाद। मैंने कब मांग लिए? मैंने जाति के नाम पर, बताओ आप कब मांगे? लोग कह रहे हैं कि आप फरीदाबाद में, जैसे हम देख रहे हैं कृष्ण पाल गुर्जर हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, वो गुर्जर समाज के वोट बैंक उनके पास है खास तौर पे, फिर कांग्रेस ने अवतार बढ़ाना को उतार दिया, इधर से आप यहाँ पे हैं, तो क्या गणित है ये? अब पंडित, गुर्जर, जाट, क्या गणित समझ रहे हैं और आप इस गणित को क्या भेद पाएंगे? देखिए, जाति के नाम से अब मैं मान लो पंडित हूँ, मैं इसके लिए तो वोट नहीं मांगूंगा कि मैं पंडित हूँ इसलिए मुझे वोट दे दो। नामों में पंडित है या वाकई? नहीं मैडम, अब अगर पढ़ने लिखने के हिसाब से तो मैं पंडित हूँ मैडम, पीएचडी कर रखी है, अभी इन्होंने तो नहीं कर रखी है यहाँ पे किसी ने, एमएमसी कर रखी है, एमपीएड कर रखी है, पढ़ाई तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा है, और जो पढ़ने पढ़ा लिखा आदमी होता है उसी को पंडित कहते हैं, तो उसके हिसाब से तो पंडित हूँ ही मैं। अब मैं कोई भी आदमी इस देश में जन्म लेता किसी जाति में, धर्म में, क्षेत्र, भाषा, वहाँ पे उसको मिलती हैं वो चीजें, लेकिन अब नवीन जय हिंद ये कहे, अब आप पंडित नवीन जय हिंद कह लो, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पंडित हूं और मुझे इसीलिए वोट दिए तो ये तो मैं नहीं करूंगा। हम तो ये इशारा किस पे है आपका? आप किसी और को इशारा करना चाह रहे हैं? भैया आप एक बात आओ, इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है प्रधानमंत्री बनने के बाद, अरे हम तो कुछ भी नहीं है अभी, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं तेली हूं, मुझे ये वो बोलते हैं, मुझे फलाना बोलते हैं। अरे यार,
क्या इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो? प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो गए तो मत कम से कम कहो। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर चौकीदार, वो क्या कहता है कि मैं पंजाबी हूँ, इसीलिए मुझे वोट दें। नवीन जैन तो ये निकलेगा कि मैं पंडित हूँ और पंडित मुझे वोट दो। अगर किसी को अच्छा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो वोट दे दो, अगर लगता है कि नहीं तो इस चक्कर में दें कि भाई मैं पंडित हूँ तो पंडित मुझे वोट दें। ये तो गलत राजनीति होगी। हम ये बता रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं तेली हूँ मुझे इसलिए वोट दें, हमारा मुख्यमंत्री कहता है मैं पंजाबी हूँ इसलिए वोट दें। अरे बनने के बाद तो सबके होते हैं भाई। अब गठबंधन की बात कर रहे थे तो जेजेपी आम आदमी पार्टी का गठबंधन, मतलब पहले क्या हुआ था, जींद बाय इलेक्शन में समर्थन किया आप लोगों ने, उससे आपको लगा कि दिशा निर्देश अब तय हो सकते हैं आगे हरियाणा की राजनीति के लिए? देखिए, जो आप और जेजेपी का गठबंधन है ना, ये दिलों का गठबंधन है, नया गठबंधन है, नई राजनीति का गठबंधन है। और नई राजनीति का गठबंधन का मतलब ये है कि इनका खुट्टा फाड़ेंगे मैडम पक्का। कांग्रेस वालों से तो पाटना नहीं, कांग्रेस वालों ने तो कर ली सेटिंग, बीजेपी का खूटा हम ही पाड़ेंगे। खट्टर साहब को कह रहे क्या, खट्टर साहब आखिरी दम तक आपका खूटा पाड़ने का काम हमने करना है। अब ये जो गठबंधन है ना नौजवानों का है, काम करना है हमारे को, तो लोगों के बीच में जाएंगे, नौजवानों के बीच में जाएंगे। अगर भाई देखो कांड करवाने तो बीजेपी तो दे दो। अब हमारा तो यही है कि भाई लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे दुष्यंत जी हैं, नौजवान हैं, उनके बीच में हैं, हम भी, हम तो सारे नौजवान ही हैं। जितने हमने टिकट नौजवानों को दी किसी ने नहीं दी, हमने जो टिकट दी सामाजिक समीकरण सारा उसके हिसाब से टिकट दी, सारे कोई भी हो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख सब मतलब समाज को शामिल किया। व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी वाले बोलते हैं बड़े, कहते हैं मैं बढ़िया की पार्टी है, बढ़िया एक बढ़िया को तो टिकट ना दी इनने, अगर इन्हीं की बात मान लें, हमने तो दे दी सारे समाज को दी, हर समाज के लिए। तो इनका तो यही है कि ये बीजेपी वाले जो है ना ये बड़े खतरनाक टाइप के आदमी हैं, इनका मतलब जनता को पता भी चल गया है। अमित शाह को तो चाणक्य कहते हैं, उस खतरनाक टाइप के आदमी बीजेपी वाले अमित शाह जैसी जो रणनीति बना रहे हैं उसको तोड़ने का, उसको हराने का आम आदमी पार्टी के पास कोई फिलहाल प्लान है? मैडम पैसे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, और कोई गंजा होने से चाणक्य हो जाएगा क्या कि गंजा हो गया? चोटी भी नहीं है उसके तो सिर पे वैसे भी, आप गंजे आदमी को चाणक्य कैसे कह दोगे? पैसा है ठीक है, उनकी सरकार बनी हुई है, लोगों को बैक आगे सरकार बना ली, अवना चल रही है, दख रही है, लेकिन चाणक्य का क्यों अपमान कर रहे हो आप लोग? चाणक्य का तो अपमान है, ये किस आदमी से आप चाणक्य की तुलना कर रहे हो? आप ऐसे चाणक्य बनते हो तो सारे गंजे हो गए चोटी रख लेंगे। अब चाणक्य ने कोई गुंडा कर दी थोड़ी करी थी इस देश के अंदर कोई? चाणक्य की स्ट्रैटेजी से अमित शाह की स्ट्रैटेजी को कंपेयर किया जाता है और उसी संदर्भ में कहा जाता है कि अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी है कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता। मान लिया आपकी बात, दिल्ली में जिसको आप सो कॉल्ड चाणक्य बोल रहे हो क्या था ये चाचा चौधरी बन गया था? दिल्ली के अंदर भी तो यही तो था। हमने नहीं दी चाणक्य की उपाधि, हमने नहीं दी उनको, कहा जाता है जिसने भी दी। युवाओं को आपने टिकट दी, युवाओं की पार्टी है आपने जिक्र किया, अब तो क्या हो गया, बीच में युवाओं के दिल में कुछ दरार आ गई थी, आपने ट्विटर के जरिए एक ट्वीट किया जब गठबंधन पे बातचीत नहीं बन रही थी, दुष्यंत चौटाला का जिक्र उसमें था, तब क्या चल रहा था तब? ऐसा है मैडम देखो, हम सीधे पादरे आदमी ना कोई राजनीति करने वाले आदमी, अब बातचीत चल रही थी दिलों का कुछ नहीं, दिल और मन साफ थे, कोई प्रॉब्लम दिल और मन साफ। तब भी मैंने देखा आपने ट्विटर पे साफ साफ लिख दिया कि पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, क्या घमंडी है, लेकिन दुष्यंत चौटाला से मैंने सवाल किया, दुष्यंत चौटाला ने कुछ नहीं कहा, कह रहे नहीं मत ये इस पे मैं कुछ कॉमेंट ही नहीं करूंगा। नहीं देखो मैं आपको बताऊंगा, अब मैं तो मैडम सीधी बात है अपने को ज्यादा ना तो गोड़ मोड़ रखी जा रहा है ना भीतर अंदर रखी जाती बात, अब कई दिन हो गए थे बातचीत करते तो कह दिया, घर की बात थी क्या बात थी भाई, हमने तुम्हारे दिल मिल रहे थे, अब छो उठ गया, अब छो उठ भी जावा आम आदमी का तो छो उठेगा मैडम क्या करें, अब छो उठ गया तो कह दिया था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे दिल मिले हुए हैं, आज भी भाइयों की तरह काम करते हैं हम, पार्टी वार्टी की तरह काम। का फोन तो आया होगा ट्विटर देखने के बाद? नहीं आए, बिल्कुल रोज बात होती है, अब भी रोज बात होती है तो होनी है लाजमी, अब तो गठबंधन है मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, जब ट्वीट किया आपने तो भाई का फोन तो आया होगा कि भाई क्या कर दिया? हाँ तो आया बिल्कुल, उसमें फिर मैंने ये कहा भाई छो उठ गया क्या करूँ मैं दुखी हो रहा था, उसमें तो
तब ठीक है, दिल मिले हुए, राहें मिली हुई है, सब मिला हुआ। बिल्कुल मिला हुआ मैडम, और पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। हम तो भगत सिंह को मानने वाले आदमी है, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, उनको मानने वाले आदमी है। तो आगे क्या विधानसभा तक भी चलेगा ये गठबंधन? हाँ आगे भी चलेगा, आगे क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये तो देखो मैं आपको बताऊं कि हमारा टारगेट ये है कि इस बीजेपी का खुट्टा पड़ना। और मैं तो लोगों को कह रहा हूँ, सरकार हमारी आनी है अगली बार विधानसभा की, जो अब चुनाव होगा ना, सरकार बनाओगे हम ऐसे। कई लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ने ही प्लॉट की हुई है, उसी के इशारों पर नाच रही है जेजेपी। ये तो गलत बात है, अभी तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आज की। दिग्विजय चौटाला को सोनीपत में जिस तरीके से उतारा, तो उसमें तो ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान पहुंचाने के लिए दिग्विजय को वहां पे उतार दिया है। अरे बीजेपी का क्या सोचता है मैडम, कुछ भी ना, अच्छी बात करो। बीजेपी का हमने खुद उतारे हैं, बीजेपी कैसे उतार देगी, हम उतार रहे हैं। ये देखिए हमने तो सेटिंग नहीं है, आरोप है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। मतलब नहीं, हम सेटर नहीं है, हम सेटिंग नहीं करते हैं। हमारा सेटिंग वेट जो भी कुछ होता है खुलेआम होता है, हमारा कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होता। खुलेआम तो होता है खूब, चुनाव प्रचार के लिए आप गए, आरोप लग गए आपके ऊपर, आपके आचार संहिता के उल्लंघन के भी मामला सामने आ गया, खबरें भी खूब बनी, अब पर्चा लहरा रहे थे आपके समर्थक, क्या क्या माजरा था वो? अरे मैडम क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा, जिन लोगों को जानकारी नहीं है धार्मिक, अब एक बात बताओ, सब जाते हैं भाई मंदिरों में, सब जाते हैं अपना को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबका जाने का अपना व्यक्तिगत वो है। अब आप कावड़ लेके आते हो, मैं कावड़ लेके आया था भाईचारा कावड़ यात्रा, बीजेपी वालों ने रोक दी थी वहाँ। अब जब कावड़ लेके आते हैं या भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो त्रिशूल लेके जाते हैं, किसी को मारने के लिए थोड़ी जा रहे हो, किसी को काटने के लिए थोड़ी जा रहे हो। अब भगवान परशुराम के मंदिर में मैं गया, वहां पे जाना माना मंदिर था, तो वहां पे वहां के लोगों ने बुलाया, और वहां कुछ लोगों जो फरसा ले रहे थे तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, भगवान परशुराम का हथियार, हम कोई किसी को फरसे से काटने के लिए थोड़ी जा रहे थे वहां पे, उसमें मतलब कहा गया ना साफ तौर पे, ऐसे हथियार आप हवा में लहराते हुए जा रहे हैं, नवीन जय हिंद ने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, नवीन जय हिंद के समर्थक इतने आतुर हो गए कि फरसे खुलेआम लहराते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे अब जिनको नहीं पता मैडम, आप मैं क्या कहूँ, फरसा कोई हथियार थोड़ी है, वो एक धार्मिक वो है। आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी जाता है, कहीं कोई तलवार भेंट कर देता है, कोई गदा भेंट कर देता है। अब मान लो कोई गदा भेंट कर रहा है तो मौसम में अगर किसी ने तलवार भेंट कर दी तो मतलब तलवार लहराते हुए जाएंगे आसमान, क्या प्रॉब्लम, उसमें क्या प्रॉब्लम, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, उसमें क्या आचार संहिता भाई। अगर कोई हमारे को तलवार देता है तो तलवार लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे। अब कोई गदा लेके तलवार को लहराना आसमान में, अरे मैडम आसमान में कोई वहां पे किसी को मार थोड़ी रहे हैं, हम शांत प्रिय आदमी हैं भाई, वो एक सिंबल सिंबॉलिक चीज होती है, फरसा है। ये बीजेपी वालों को नहीं मिल रहा क्या, इनको कोई नहीं दे रहा क्या, लहराते हुए दिखे क्या आपको कहीं कृष्णपाल गुर्जर? अब लहराना हमने कौन सा मतलब वहां मार काट मचा दी मैडम, वो तो नारे लगा रहे हैं, आदमी नारे लगाता है कोई भी तो नारे लगाता, हाथ ऊपर उठाएगा ना, अब हाथ ऊपर उठाएगा तो मतलब किसी को काटने के लिए थोड़ी कर रहा है। अब ऐसे तो मतलब कोई कहेगा कि भाई चुनाव आचार संहिता है तो ये तो गलत बात है। अब मान लो मैं कहीं जाऊंगा फिर किसी जगह पे, अगर मेरे को कोई फरसा देता है तो मैं तो लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब ऐसे हो जाएगा कि ना 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 नहीं लेना, ऐसा थोड़ी है। हमारी धार्मिक अपनी चीज है, व्यक्तिगत अपनी चीज है, उसका क्या है, उसमें कोई अब आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो होगा, उसमें क्या कर सके हम, इसका कोई मतलब नहीं है। ये पहली बात तो आचार संहिता का उल्लंघन होता नहीं है, और ये भावना है, और भावनाओं से मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लोगों की भावनाएं इस वक्त ये है कि उनका ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। आप देखिए इतने सालों के बाद भी आज भी हम बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। अब फरीदाबाद में दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, गंदा पानी मिलता है, सड़कें टूटी हुई हैं, रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, मकान नहीं है, अब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। नवीन जय हिंद के पास क्या उपाय हैं इन तमाम समस्याओं के? जेजेपी आम आदमी पार्टी मिलकर क्या करेगी अगर आप जीतते हैं तो, लोगों के लिए क्या काम करने वाले हैं? देखो मेरा इसमें एक मानना है मैडम, बहुत सी समस्याएं तो ऐसी होती हैं, अगर प्रशासन चाहे, प्रशासन जनता के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करवा सकता है 50%। तो दूसरा होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी विल पावर के ऊपर बात होती है। अब जब प्रशासन को पैसा कमाने के लिए लगा दोगे कि पैसे लेके आओ कहीं से, हफ्ता वसूली करके लेके आओ, कमीशन लेके आओ, तो कहाँ काम होंगे।
अरे पूरा फरीदाबाद उखाड़ के फेंक रखा है, गलियां टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, गंदगी मतलब इतनी ज्यादा गंदगी है। अब वो सारी चीज है मैडम, तो वो कहाँ से आई? प्रशासन क्या कर रहा था, चौकीदार क्या कर रहा था भाई? पूरा फरीदाबाद में चले जाओ आप, तो जब प्रशासन, जब जनता के साथ मिलके अगर आप कोई समस्या समाधान ढूंढना चाहते हो तो आपका समाधान मिल जाता है। लेकिन अगर नीयत ही ठीक नहीं हो, नीयत हो पैसे इकट्ठे करने की, तो फिर तो कैसे मतलब बात बनेगी, फिर तो ऐसे सत्यानाश ही होना है। और फरीदाबाद की जनता को मैं तो कहता हूँ, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो भी हमारा होटल है हथीन है, हथीन की मैं बड़ी वो बताऊँ, मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे को बताया कि 20 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं। क्यों भाई, हथीन वालों ने क्या पाप कर दिया क्या कुछ? अरे बिजली पानी तो दे दो, कम से कम पानी तो दे दो, स्कूल हॉस्पिटल तो तुम्हारी औकात है नहीं देने की, कम से कम पानी दे दो भाई, वो ताकि कम से कम पी लें, पी का जीत लें। तो पानी तक नहीं है, पोल्यूशन है, ऊपर से 90% बच्चे पैदा जो हो रहे हैं इस क्षेत्र में वो दमे से पीड़ित हैं। बेचारा मतलब छोटा बच्चा, उसका क्या कसूर है उसके लिए? जब तो बात है कि मैडम हम ये करेंगे, जनता के साथ मिलके फरीदाबाद की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, अगर वहां का प्रशासन, वहां का प्रतिनिधि ईमानदारी से काम करता है, तो कोई ताकत नहीं है कि जो फरीदाबाद को नहीं सुधार सकता। ये तमाम मुद्दे तो आपने बताया कि आप इन मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे समर्थन की अपील करेंगे। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मतलब अगर आप सांसद बन भी जाते हैं तो उसके बाद क्या मजबूर कर देंगे अगर केंद्र में दोबारा से मोदी सरकार आते हैं, या क्या कुछ परिस्थितियां रहती है, फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन एक सांसद के तौर पर मजबूर कर देंगे सरकार को कि यहाँ पे ध्यान दे? देखिए मैडम, हम संघर्ष करने वाले आदमी, आंदोलन वाले, हमारा मुख्यमंत्री जनता के लिए एलजी हाउस में जाके काम करवा लेता है, एलजी हाउस में जाके धरने पे बैठ जाता है, तो उसको शौक थोड़ी है। मुख्यमंत्री अपने घर में आराम से बैठे है, वहां जाके क्यों बैठ रहा है? जनता के लिए। अब जनता के लिए जब बैठने की वो रखते हैं, हमारा नेता है अरविंद केजरीवाल, तो मैडम हम तो ये कहना चाहते हैं कि जनता ने, अगर फरीदाबाद की जनता ने मौका दिया, जो ये पहाड़ खा रहे हैं ना, तो एक पत्थर उठाने नहीं देंगे, और ये जितनी जिसकी जो गुंडा कर दी ना, सब बंद कर देंगे। जनता के साथ मिलके काम करेंगे मैडम, और मतलब 100% हम ये दावा कर सकते हैं। लेकिन आप बार बार भ्रष्टाचार ही कह रहे हैं, अब हरियाणा में भी आपको लग रहा है क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल इतने ईमानदार सीएम है हमारे, उनके होते हुए सांसद साहब कृष्णपाल गुज्जर जो आप कह रहे हैं फरीदाबाद के चौकीदार लगातार गलत काम कर रहे हैं, उनके होते हुए, मनोहर लाल जी के होते हुए, ऊपर मोदी जी के होते हुए, क्या ये तमाम चीजें संभव है? देखिए मैडम, आप फरीदाबाद की जनता से जाके पूछो, रही बात चौकीदार मनोहर लाल जी की कि बड़े शुद्ध आदमी है, तो जो सूदी छिपकली होती है ना मैडम, सीधी छिपकली सबसे ज्यादा मच्छर खाती है, नहीं बताओ तो आपको, पता कर लेना आप, ये दिखते और कुछ हैं, बहरूपी हैं, बहरूपी है, मानो आप इस बात को, ये कलाकार हैं सारे, एक्टर हैं, मतलब इनको जितना बड़ा ओस्कर में अगर कितना लेना हो अवार्ड तो वहां से ले लें, ये सारे के सारे एक्टर हैं, बहरूपी हैं सारे के सारे। मनोहर लाल जी को आप बहरूपिया कह रहे हैं? अरे बहरूपिया तो बड़ा चौकीदार है, आप शुद्ध कह रहे हो ना, शुद्ध ईमानदार है, छवि है ना मनोहर लाल जी की, साफ सुथरे सीएम है, ईमानदार छवि है, क्या कहा ईमानदार है? जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है दादम खदान घोटाले में, ये कहा कि मुख्यमंत्री की सहमति के बिना ये घोटाला नहीं हो सकता, 5,000 करोड़ का घोटाला था, राहुल ने खा गए थे पूरे पहाड़ ने, पूरे के पूरे पहाड़ को जीम गया था, बता। उसके बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद भी हम देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर ने इतनी बार स्टोरी की कि वहां पे अभी भी काम चल रहा है, तो चौकीदार क्या कर रहा है? यही तो कह रहे हैं हमें, ईमानदारी कहां से आ गया ईमानदार? ये ईमानदारी का तो वैसे मुखौटा पहन रहे हैं मैडम, एक नंबर के बेईमान आदमी है सारे के सारे, पूरे हरियाणा को जब खा जाएंगे तब समझ में आएगी क्या लोगों को? कुछ नहीं कर रखा, जो किसान तो कंगाल, इनके मंत्री माला माल, सारे व्यापारी दुखी, सारे बेरोजगार, इन्होंने कहा था मतलब मुद्दा होना चाहिए था देश के अंदर, बेरोजगार ले आए चौकीदार, पिछली बार चाय वाले थे अब चौकीदार हो गए। अरे विकास पुरुष होते भाई तुम, अगर कुछ काम करे होते है, कहते विकास पुरुष है, कुछ नहीं हुआ देश में भी, हरियाणा में विकास मैडम की, कहां कौन सा विकास कर रखा है, कोई बता दो। अरे 5 साल राज कर लिया भाई, 5 साल में बता दो क्या कौन सा राज कर रखा है। रोहतक से आप आते हैं, 10 साल वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सबसे ज्यादा उनपे आरोप लगता है कि रोहतक का ही विकास हुआ और उन्होंने रोहतक का ही काम किया, वहाँ पे आपको लगता है कि काम वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था? एक बात बताओ मैडम,
ये घर भर के, घर भरने के अलावा इनने कोई काम नहीं कर रखा। चारों तरफ रोड बनाए थे और रोडों के ऊपर लगा दिया टोल टैक्स। रोहतक के चारों तरफ टोल टैक्स है, फरीदाबाद के चारों तरफ टोल टैक्स है। ये बीजेपी वाले कहते थे जजिया कर है, तो ये जजिया कर कौन ले रहा है? टोल टैक्स के नाम पे हफ्ता वसूली कौन? चौकीदार खा रहे हैं ना, चौकीदार खा रहे हैं। हम सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन आपके खानदान के बारे में, आपके ऊपर निजी टिप्पणियां क्या क्या कर दी करने वालों ने? अब मैडम ये बात हो, खानदान तो मैं बता दूं, महाराज परशुराम का खानदान है, समझता नहीं होगा क्या? हो जानते होंगे ना, भगवान परशुराम ने जानते होंगे, मंगल पांडे को जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं ना, राम प्रसाद मिसमिल को, रानी लक्ष्मीबाई को तो समझते होंगे, अपने खानदान की बता रहा हूँ। निजी टिप्पणियां जायज हैं, तुच्छा कह देना, कभी खानदानी चोर कह देना, कभी कुछ कह देना, वो आपको कुछ कहते हैं, आप उनको कुछ कहते हैं, मोदी जी राहुल गांधी को कुछ कहते हैं। मैंने क्या कहा मैडम? मैंने तो ये कहा था चौकीदार पहाड़ खा गया, चौकीदार सरकारी स्कूल खा गया, हॉस्पिटल खा गया, चौकीदार ने जनता परेशान कर रखी है, गंदगी इतनी है, उनको क्यों नहीं खाते चौकीदार? पूरे फरीदाबाद में गंदगी फैला रखी, मैंने तो यही कहा था ना। अब भाई वो कहना, खानदानी कहना, टुच्चा कहना, पढ़े लिखे हैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बड़े हैं वो, लेकिन उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आम परिवार से है, और ये तो जनता बताएगी। टुच्चा क्या होता है यार, मैंने कोई ठगा बगी थोड़ी करी है, अवैध कब्जे थोड़ी करवाए हैं, कोई मतलब है, मेरा कोई ये थोड़ी, कोई मेरा कोई मामा थोड़ी जो पैसे इकट्ठे करके दे रहा है, तो मैं कहां से मतलब टुच्चे हो गए भाई? आंदोलन करा है। रही बात चोर की, तो मेरी तो जितनी संपत्ति है सारी जांच करवा लेना, ऊपर नीचे ही नहीं, ये तो सरकार है, और मैं तो अपने कागज ले आऊंगा, जनता के सामने दे दूंगा, ये है भाई संपत्ति, ये पैसे हैं। अपने हिम्मत है चौकीदार की, ले गया होगा चौकीदार से लेवा क्यों? मतलब इतनी नीचे स्तर पर राजनीति अगर गिर जाए तो देश का वोटर क्या सोचे, कहां जाए? चौकीदार तो मैडम ऐसे ही है, ये बहरूपी है सारे चौकीदार, ये सारे ठेकेदार है, आम आदमी है, और आम आदमी का काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, लूट मार मचाएंगे, ना लोगों को डराएंगे, लोगों को डरा के कौन जी है भाई? जो खुद कमजोर होता है ना, वो लोगों को डरा के जीता है। कांग्रेस पे भी बहुत से आरोप लगे, लूट मार के आरोप लगे, अब हालांकि कांग्रेस में, कांग्रेस की दम भर रही है कि लोकसभा चुनावों में हम सीटें निकाल सकते हैं। अब मान के चल रहे हैं कि 5 से 6 सीटें कांग्रेस कह रही है हम जीत रहे हैं, तो क्या लग रहा है 5-6 सीटें जीत गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राहें आसान हो जाएंगी आगे विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने के लिए हरियाणा के? मैडम क्यों, उनका के होना जाना है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, वो तो आप ये मान के चलो कांग्रेस की सेटिंग है बीजेपी के साथ है, मानो आप मेरी यह बात है। सेटिंग को छोड़िए, वो आप कहते हैं उनकी सेटिंग है, वो कहते हैं आपकी सेटिंग है, सेटिंग किसकी है जनता बता देगी, जनता समझ लेगी। लेकिन आपको लग रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर जीत गए सोनीपत तो आगे राहें आसान होंगी उनके लिए? कैसे जीत जाएंगे? या दिग्विजय जीतना नहीं देगा? दिग्विजय जीतेगा, जीतने नहीं देगा, दिग्विजय जीतेगा, भूपेंद्र हुड्डा कैसे जीत जाएगा? 10 साल राज था सोनीपत में, क्या करवाया सोनीपत का? पूरी गलियां सड़कें आज तक उखड़ी हुई है उनके जो उस टाइम पे करी थी। अब ये कहना कि नहीं नहीं जी, अब चुनाव के टाइम पे तो ये सारे बन जाते हैं गिदड़, और चुनाव खत्म होते ही ये शेर। पिता तो सोनीपत में, पुत्र रोहतक में, प्रदीप देसवाल टक्कर देंगे क्या? दीपेंद्र हुड्डा तो लगातार घूम रहे साफ छवि को लेके, साफ छवि 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं, अब क्या रोक पाएंगे आप उन्हें, चौका मारने? भाई प्रदीप देसवाल को गुंडा बदमाश है क्या? गरीब घर का बालक है, छात्र आंदोलन कर, दुनिया भर के आंदोलन करे। अब मेरा बाबू या प्रदीप का बाबू अगर मान लें MP MLA ना था, मुख्यमंत्री ना था, तो हमारा कसूर तो नहीं है ना? प्रदीप देसवाल में क्या कमी है भाई? बढ़िया छोरा है, मेहनती छोरा है, काम करा है, अब बधेरे दिन बन लिया सांसद। दीपेंद्र हुड्डा ने भाई अब बधेरे दिन हो लिया, ठीक है अपने अमरीका रहे आवेगा, क्या प्रॉब्लम है? थोड़े बहुत दिन बाबू बेटा दोनों आ रहे हैं मैडम। अभय चौटाला, बार बार आप तो कह रहे दुष्यंत भाई है बहुत अच्छे हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तमाम अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं, अभय चौटाला बार बार कह रहे हैं स्वार्थी हैं, गद्दार हैं, तमाम तरीके के आरोप, आप तो आजकल काफी नजदीक हैं, क्या लगता है, क्या आप नजदीक से देखते हैं कुछ इस तरीके के आरोपों में सच्चाई लगती है अभय चौटाला जो कहते हैं उनमें? अब वो मतलब उनके बारे में क्या कहूं मैडम, आपको पता है वो बीजेपी जो बोलती है वो बोल देते हैं, बीजेपी वाले सुबह उनको एक पर्चा पकड़ा देते हैं गाजी बोलना है, एक वाट से बताते हैं कि सेटिंग है। अरे मैडम सेटिंग है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, पक्का सेटिंग है, सारे देश जाना है, सारा हरियाणा जाना है, सुबह उनको पर्चा पकड़ा दिया जाता है एक बीजेपी की तरफ से, एक व्हाट्सएप कर दिया जाता है, वो उनको एक पढ़ा देता है जी ये बोलना है, वो बोलते रहते हैं वो। फरीदाबाद लोकसभा में आपको क्या लग रहा है, आपकी टक्कर किसके साथ होगी, कौन वाकई आपको टक्कर दे पाएगा इसमें?
मैडम हमारी टक्कर तो गुंडागर्दी के खिलाफ है, हमारी वहाँ पे अवैध कब्जों के खिलाफ है, हमारी तो जो टक्कर है एक रावली थाने वाले सीधा सीधा कैंडिडेट का नाम ही बोल दीजिए, इतनी बातें बोल रहे हैं तो कैंडिडेट की तो वो है ही नहीं ना वैल्यू, कैंडिडेट की क्या वैल्यू है, चौकीदारों के साथ है, बड़े चौकीदार हैं छोटे चौकीदार हैं, हम जो अरावली को खाने वाले हैं उनके साथ मुकाबला, कैंडिडेट का कुछ है ही नहीं मैडम, जो जिनके बिजली पानी है उनके साथ है, जिनने सरकारी स्कूलों का सत्यानाश किया हॉस्पिटलों का सत्यानाश किया उनके साथ मुकाबला, कब्जाधारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं हम तो। लेकिन उम्मीद है कि आप जीतेंगे। मैं नहीं जीतूंगा मैडम, जनता जीतेगी जीतेगी तो, अरे जनता ही हारेगी हारेगी तो, अपना क्या, अपना कुछ भी नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है, हम तो एक वो है कि हमारे नाम से एक भाई वो है कि नाम है बस, अगे अगे लिखा हुआ है जनता जीतेगी, ये चुनाव फरीदाबाद की जनता लड़ रही है, जनता ही लड़ेगी, मुद्दे के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे ना कि जुमलों के आधार पर, और पूरा विश्वास है मैडम आप और जेजेपी का गठबंधन हरियाणा के अंदर बीजेपी का खूटा पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की तो बस की बात है नहीं, कांग्रेस की तो हो रही है सेटिंग और इनका खूटा हम पाड़ेंगे, आप देख लियो छह अभी तो चुनाव ये है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी और जेजेपी की सरकार बनेगी, लिखवा के ले लो आपसे, खूटा पाड़ेंगे, देखो हिला तो दिया है वो पाड़ देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, उम्मीद करते हैं आप जितना सोच रहे हैं उतना समर्थन आपको मिले। तो आपने देखा चलती गाड़ी में कितने तीर चले, किस किस के दिल में जाके लगेंगे, इस इंटरव्यू से इतना तो साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर बस इतनी सी कोशिश है कि जितने भी जुमले हुए, जितने भी जुमलों की बात हुई, काम नहीं हुआ, उन सबको लोगों के सामने रखें। कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ एक चेहरा है, चुनाव आम जनता लड़ रही है, अगर आपने सुना इंटरव्यू और आपको लग रहा है कि वाकई आम आदमी पार्टी आपके लिए काम कर सकती है, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलके आपके लिए कुछ कर सकती हैं, तो वो आपका डिसीजन है, लेकिन तमाम कैंडिडेट से हरियाणा न्यूज आपको मिलवाएगा ताकि आप जान सको कि क्या क्या मुद्दे हैं और आपके लिए नेताओं की प्राथमिकता क्या कुछ है और कौन वाकई आपके लिए काम करना चाहता है और कौन सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाहता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।